वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स की अगले लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 12 तक हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से इकोनॉमिक्स को सीखा है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स को कंप्लीट करिए। ये जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हैं, ये आपके CA फाउंडेशन 11th, 12th और आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 20 बेसिक से इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो ये लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका पूछा जाएगा। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स मेंटेन करते चलिए, हम एक एक चीज़ आपको समझाते चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आर्क मेथड तक की बातें डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए हम लोग आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। देखिए, अब आगे हम लोग इलास्टिसिटी निकालना सीखते हैं कि इलास्टिसिटी निकालते कैसे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है। प्राइस 100 से 110 हो गया, क्वांटिटी 370 से 400 हो गई। मतलब कि प्राइस भी बढ़ा और क्वांटिटी भी बढ़ी। जब दोनों ही इंक्रीज होंगे या दोनों ही डिक्रीज होंगे, अगर दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज, ऐसा कुछ सिस्टम अगर दिखता है आपको, तो वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होता है। क्या होता है? वहाँ डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज हो तो डायरेक्ट रिलेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इलास्टिसिटी निकालने के लिए यही आर्क मेथड, अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दिया है तो आप आर्क मेथड लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दिया है। और अगर मेथड दिया है तो फिर आप ये डेल्टा वाला मेथड लगाएंगे या फिर परसेंटेज मेथड लगाएंगे या प्रोपोर्शनेट मेथड लगाएंगे। तो इन्हीं में से किसी एक मेथड को आप लगा के इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग निगेटिव साइन को ध्यान नहीं देंगे, लास्ट में क्वेश्चन को बस आर्क मेथड से आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वही आपकी इलास्टिसिटी होगी। तो देखिए, आंसर ये आया, यही आपकी इलास्टिसिटी हुई। इलास्टिसिटी माइनस में आएगी तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और इलास्टिसिटी प्लस में आती है तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 से अगर ऊपर है तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आंसर ये आया, ठीक है। चलिए, प्रोपोर्शनेट मेथड में हम लोग इसी को समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को। देखिए, प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दिया नहीं है, तो फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए देखो क्या करते हैं। ऊपर देखिए, क्वांटिटी क्या दी हुई है, 370 से 400 क्वांटिटी दी है, 370 से 400। तो कितना, कितने का चेंज आया? 400 माइनस 370 करोगे जब आप, यानी 370 माइनस 400 करोगे तो कितने का चेंज आया? ये 30 का चेंज आया। तो 30 और बेस क्या है? 370। तो जैसे 30 अपॉन 370 करेंगे आप, 30 अपॉन 370 370 इंटू 100, जब आप ये करेंगे तो आपका जो आएगा ये परसेंटेज आ जाएगा, और यही परसेंटेज कहलाएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ठीक, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना डिफरेंस है वो वैल्यू और उसके बाद उसका बेस। क्लियर? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऐसे निकलेगी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए भी वही फॉर्मूला, प्राइस में कितने का चेंज आया? 100 माइनस 110 यानी 10 का चेंज आया, तो 10 अपॉन 100, 100 बेस है इंटू 100, तो 10%। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों का परसेंटेज निकाल लिया और फिर फार्मूला लगा देंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो आंसर आपके सामने आएगा। ये देखिए, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है, एक डेल्टा वाला तरीका है, जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था डेल्टा वाला। देखिए, डेल्टा, डेल्टा क्यों, मतलब कि हमने आपको बताया था कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और अपॉन Q1, फिर P1 अपॉन डेल्टा P, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो कितने का चेंज आया है उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करना है। तो इसका भी आंसर माइनस में आएगा, जीरो पॉइंट माइनस कट जाएगा तो 0.8 आएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलते हैं। द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स वॉज इंक्रीज बाई 23%, देन क्वान्टिटी ऑफ चेंजमेंट इज 282 to 250, देन फाइंड आउट इलास्टिसिटी। अब आपसे अगर इलास्टिसिटी निकालने को ऐसे क्वेश्चन में कहेगा तो देखिए, परसेंटेज चेंज जो 23% दिया हुआ है, ये क्या दिया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड्स एक्स वॉज इंक्रीज बाई 23%। तो प्राइस जो है, गुड्स का जो प्राइस है वो 23% से इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी 280 से 250 चेंज हो रही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना होगा परसेंटेज मेथड का। परसेंटेज मेथड का दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला देखो हमने लगाया, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दिया नहीं है तो निकाल देंगे, 280 से 250 यानी 30 का चेंज आया है। तो 30 का चेंज आया, बेस क्या है 280, अभी हमने बताया था, इन 200। जैसे ये करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी निकल कर आ जाएगी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, अपने आप फॉर्मूला लगाइए, आंसर लीजिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपका निकल कर आया 10.7 और 23% दिया हुआ था, दोनों को अपॉन किया, आंसर आ गया। तो इलास्टिसिटी कैसी आई, ईपी इज लेस देन 1, एक से छोटी, राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स वॉज डिक्रीज्ड बाई 12%, देन क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीज बाई 382। तो ये पूछ रहा है कि क्वांटिटी कितने से डिक्रीज होगी। अगर प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज है 12% से, तो प्राइस दिया हुआ है 12% का, लेकिन क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो कह रहा, लेकिन इसने इलास्टिसिटी दे दी है यहाँ पर कि अगर इलास्टिसिटी 1 है तो फिर बताइए कि जो आपकी क्वांटिटी है वो 380 से कितना चेंज हुएगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं, फिर यहाँ पर परसेंटेज मेथड लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखिए फॉर्मूला रखेंगे इलास्टिसिटी का, इलास्टिसिटी दी हुई है 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमारे पास नहीं दिया है तो हमने उसको एक्स मान लिया, लेकिन प्राइस दिया हुआ है 12% का, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं एक्स बराबर 12%, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12%। बस कुछ नहीं करना है अब आपको, बहुत सिंपली 380 का 12% आपको निकालना है, तो जो आंसर आएगा वो आपका, इसको आप अप्रॉक्स में 46 मानोगे, ठीक है, इसको अप्रॉक्स में 46 मानोगे। 380 में से 46 जब लेस करोगे तो पता चल जाएगा कि कितना चेंज हुआ है, मतलब 380 से कितना चेंज हुआ है। देखिए ये 380 से कितना चेंज हुआ है, तो निकल कर आ जाएगा बिल्कुल। कैसे, देखो फिर से समझते हैं, हमें इलास्टिसिटी दी हुई है, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला दिया है, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाया कि ई पी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 1 आया, हमने ई पी दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1 लिख रख लिया, फिर इसको सॉल्व किया तो एक्स बराबर 12% आया, एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है वो 12% का चेंज हुआ है। लेकिन 12% का चेंज हुआ है और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कितनी यूनिट चेंज हुई है, तो 12% का चेंज हुआ है और यूनिट निकालना है, यूनिट तो परसेंट पे नहीं दी है, तो 380 से कितनी यूनिट चेंज हुआ है, तो 380 का ही, 380 बेस है, तो 380 का 12% जब आप निकालोगे तो 46 आएगा, तो 46 यूनिट कम हुई है, तो 380 से 46 को आप घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा इतने यूनिट तक चेंज हुआ, मतलब 380 से 34 तक चेंज हुआ है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसका 12% ही निकालना पड़ेगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कॉपी में आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करा रहे हैं इलास्टिसिटी निकालने के तरीके, आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद देखिए, इफ़ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स वॉज डिक्रीज बाई 12%, अब की बार कह रहा है कि प्राइस जो है वो 12% से कम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है, मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, तो आंसर क्या हुआ। जब क्वांटिटी जीरो हो, क्वांटिटी में चेंज जीरो, क्वांटिटी हमेशा ऊपर होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी जीरो, क्वांटिटी में जीरो का चेंज है, प्राइस में 12 का चेंज है, तो जीरो अपॉन 12, तो जीरो अपॉन 12 को जब आप सॉल्व करेंगे देन आंसर विल बी जीरो। जीरो में किसी नंबर से जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी जीरो, ठीक है। तो ये आपका आ गया परफेक्ट इनइलास्टिक, क्या इसको कहते हैं,
इसको ईपी ये नहीं कहेंगे, इसको काट दीजिए, इसको कहेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक, क्योंकि ईपी क्या है यहाँ पर जीरो के बराबर है, इसलिए मतलब कि इलास्टिसिटी जीरो है तो इलास्टिसिटी कुछ है ही नहीं, तो ये परफेक्ट इन इलास्टिक है। क्या है? इलास्टिसिटी है ही नहीं तो इलास्टिक कैसी है? परफेक्ट इन इलास्टिक है। ओके दोस्तों, वेरी गुड, नाइस, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्राइस कांस्टेंट एंड क्वांटिटी 5% डिक्रीज। इफ प्राइस कांस्टेंट, देखिए बहुत दिनों से वीडियो डाल नहीं पा रहे थे क्योंकि थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा, बट आज से कंटिन्यू मैंने किया है, तो आप आराम से बिल्कुल इकोनॉमिक्स के लिए निश्चिंत हो जाइए। अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, कॉमर्स से हैं, या फिर आप CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो क्लास है दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इकोनॉमिक्स का मैं कंप्लीट कोर्स कराऊँगा, आप जिस भी कोर्स में हैं, आप BCom में हैं, तो ये इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है ये आपको बहुत काम आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आगे चलकर आप कोई किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं उसमें भी इकोनॉमिक्स अगर आती है, तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स की, ये सभी में बहुत हेल्पफुल है। प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, आगे चल के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये आपका। और आपको अगर रियली वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको सच में इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर से लेकर अभी तक की सारी बातें समझ में आई हैं, तो एक कमेंट और एक लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। आइए दोस्तों, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि इफ़ प्राइस कांस्टेंट एंड क्वांटिटी 5% डिक्रीज। एक क्वेश्चन है कि अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं है अब की बार, लेकिन क्वांटिटी में चेंज है, तो आंसर क्या होगा? तो प्राइस में कोई चेंज नहीं, प्राइस नीचे होता है, प्राइस जीरो, क्वांटिटी में 5 का चेंज है, तो जब किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? अनलिमिटेड टाइम्स, मतलब इन्फिनिटिव टाइम, तो आंसर क्या होगा? इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव इलास्टिसिटी होगी, यानी परफेक्ट इलास्टिक इसको कहते हैं। ईपी इज इक्वल टू इन्फिनेटिव लिखते हैं इसको, और ये दिस सिचुएशन इज कॉल्ड व्हाट? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिसिटी, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, आप काउंट नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्राइस ऑफ गुड्स एक्स वॉज 250 टू 170, देन क्वांटिटी चेंज 3000 यूनिट टू 2950 यूनिट। ये बात आप समझिए, इलास्टिसिटी निकालने को कह रहा है। तो कुछ नहीं, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो आप चुपचाप आर्क मेथड लगाएंगे। आर्क मेथड का फॉर्मूला होता है Q1 - Q2 / Q1 + Q2, तो Q1 - Q2 / Q1 + Q2 इनटू P1 - P2 इनटू P1 + P2 / P1 - P2। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा आराम से, ठीक। तो इलास्टिसिटी निकल कर आपकी आ गई। एक इंपॉर्टेंट बात, इन एवब सिचुएशन ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप नेचर ऑफ गुड्स इज रिलेटेड टू गिफिन गुड्स। डायरेक्ट रिलेशन होगा अगर तो कैसा गुड्स होगा? गिफिन गुड्स, ठीक है, गिफिन होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा इसकी करेक्ट कर लीजिएगा, गिफिन होता है। बट इन नॉर्मल गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप इज रिलेटेड टू सिचुएशन, मतलब नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, रिलेशनशिप इनवर्स होता है, उल्टा चलता है, मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, और क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, और ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल गुड्स होते हैं। लेकिन अगर दोनों ही सेम सिचुएशन में चल रहे हैं, प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो गिफिन गुड्स। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से इलास्टिसिटी के टाइप्स को सीखते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो पहली इलास्टिसिटी जो हमारी होती है वो होती है दोस्तों परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होती है? व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स अनचेंज एंड क्वांटिटी चेंज्ड, देयर इज परफेक्ट इलास्टिसिटी। मतलब जहाँ पर प्राइस ऑफ गुड्स में चेंज नहीं होता है लेकिन क्वांटिटी चेंज होती है, वहाँ परफेक्ट इलास्टिसिटी होती है। जैसे प्राइस तो 100 का 100 रहा, क्वांटिटी 100 से 1200 यूनिट हो गई, तो प्राइस 100 से 100 रहा, क्वांटिटी 1000 से 1200 हो गई, तो क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज तो चलिए छोड़ दीजिए, मान लीजिए प्राइस में चेंज हुआ, क्वांटिटी में जीरो का चेंज है, तो कोई भी नंबर यहाँ पे हो, चेंज 200 का है, मान लो ये 1 काट दीजिए, 200 का है, 200 / 0 तो भाग किया, अभी हमने बताया था इन्फिनेटिव आता है, और इस सिचुएशन इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिसिटी, ठीक है। साफ साफ नोट्स बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो इस सिचुएशन में गुड्स कैसे होते हैं? द गुड्स आर डिमांडेड ऑन द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, प्राइस विल बी फिक्स्ड।
तो प्राइस चेंज नहीं होता है, जब फेस्टिवल के टाइम पे गुड्स की डिमांड होती है तो बहुत सारे गुड्स एक ही रेट पे बेचे जाते हैं ड्यू टू कंपटीशन। ठीक है, अब बात करेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक की। तो परफेक्ट इन इलास्टिक में क्या होता है फ्रेंड्स, परफेक्ट इन इलास्टिक में जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती है लेकिन प्राइस चेंज होता है। तो इसीलिए जीरो क्वांटिटी में जीरो का चेंज, प्राइस में चेंज होता है कुछ नंबर का, तो फिर वहाँ पर आंसर जीरो आता है, इलास्टिसिटी जीरो के बराबर होती है, परफेक्ट इन इलास्टिक कहलाती सिचुएशन। ठीक है, इसमें क्वांटिटी क्या होती है कांस्टेंट, प्राइस चेंज। अब हम लोग बात करेंगे डिमांड कर्व की। कुछ और इलास्टिसिटी हैं जैसे कि ईपी इक्वल टू जीरो। तो ईपी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या, इसका कर्व कैसे बनेगा इसको भी समझ लेते हैं। मतलब कि क्वांटिटी में देखिए कोई चेंज नहीं, क्वांटिटी 2000 पे है 2000 पे ही है, लेकिन प्राइस में चेंज हो रहा है, पहले 100 था फिर 110 फिर 120 फिर 130 140, तो प्राइस में लगातार चेंज हुआ है। जब क्वांटिटी में जीरो का चेंज, प्राइस में कुछ चेंज होता है 10 हो 20 हो 30 हो, तो जब किसी नंबर से जीरो में भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है बताइए, जीरो आता है कि नहीं आता है, आता है। तो ऐसे में यही ग्राफ बनेगा, ए पी इक्वल टू जीरो में ग्राफ ये बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, ए पी इक्वल टू इन्फिनिटी में देखिए कैसे ग्राफ बनता है। इसमें क्या होता है, इस पर प्राइस में चेंज नहीं होता है लेकिन क्वांटिटी चेंज होती है, 100 200 300 1000 4000 इस तरीके से, लेकिन प्राइस एक फिक्स रहता है, ये प्राइस देखिए फिक्स है। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी ई पी इक्वल टू इन्फिनिटी कहलाती है, क्या होती है ई पी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने देखा, हाँ एक ये नोट याद रखिएगा, द सेकेंड नेम ऑफ एक्स एक्सिस इज क्वांटिटी एक्सिस। ठीक, क्वांटिटी एक्सिस को एक्स एक्सिस भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए आपको बता दें कि ये पांच तरीके की इलास्टिसिटी आपने पढ़ी, ई पी इक्वल टू जीरो, ई पी इक्वल टू इन्फिनिटी, ई पी इक्वल टू वन, ई पी इक्वल टू ग्रेटर देन वन, ई पी लेस देन वन। और ये देखिए ई पी इक्वल टू जीरो का आपने देखा ये इस तरीके से बनता है, ई पी इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या होता है ऐसे बनता है, ई पी इक्वल टू इन्फिनिटी में क्या होता है प्राइस चेंज नहीं होता क्वांटिटी चेंज होती है, इसीलिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनता है, और जब ई पी इक्वल टू जीरो में जो है वो ग्राफ वर्टिकल बनता है। ठीक, अब हम लोग ई पी इक्वल टू वन, ग्रेटर देन वन और लेस देन वन का ग्राफ कैसे बनता है और कौन सी सिचुएशन होती है इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ई पी इज ग्रेटर देन वन कब होगा, जब प्राइस में चेंज क्या है कम हो, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा हो, तो ई पी इज ग्रेटर देन वन होगा। जैसे इसमें देखो 30 का चेंज आ रहा 300 का यानी 30% का, और इसमें 20% का, तो 30/20 यानी कि 1.5, तो ई पी इज ग्रेटर देन 1 कहलाएगी ये सिचुएशन, ई पी इज ग्रेटर देन 1। ई पी लेस देन 1 में क्या होगा, प्राइस में चेंज ज़्यादा होगा क्वांटिटी में चेंज कम होगा। देखो प्राइस में चेंज 120 का, क्वांटिटी में 1000 से 900 का, तो यहाँ 10% का चेंज, यहाँ 20% का चेंज, तो यहाँ पे ई पी इज लेस देन 1 है। जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों में बराबर का चेंज, देखो 1000 से 800 100 से 120, तो बराबर का चेंज, तो वहाँ पर ई पी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ई पी इज इक्वल टू 1। अब इनका ग्राफ कैसे बनता है कुछ बातें और जान लीजिए। ई पी इज ग्रेटर देन 1 में व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी वॉज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, बता भी चुके हैं। ई पी इज लेस देन 1 में जब जो है चेंज इन क्वांटिटी क्या होगी, कम चेंज होगी प्राइस के कंपेरिजन में, तो वहाँ लेस देन 1 होगा, और जब दोनों में समान चेंज हो, इक्वल चेंज हो, तो वहाँ पर ई पी इक्वल टू 1 होता है। ठीक, वेरी गुड। तो ई पी लेस देन 1 का ग्राफ कैसे बनता है देखिए ध्यान से समझिए। ई पी लेस देन 1 कब होगा, जब क्वांटिटी में चेंज कम होगा लेकिन प्राइस में जो गैप है चेंज का वो ज़्यादा होगा। देखिए क्वांटिटी में कितना छोटा सा गैप, इतना चेंज हो रहा है, प्राइस में इतना चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज कम, तो ई पी लेस देन 1, और इसी को जोड़ देंगे। देखो P1 P2 Q1 Q2 P1 को Q1 से Q2 से मिला देंगे। ठीक, समझ गए ई पी इज लेस देन 1 का ग्राफ। अब ई पी इज ग्रेटर देन 1 का ग्राफ देखो कैसे बनता है। अब की बार क्या क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा होगा, प्राइस में चेंज कम होगा, बस मिला दीजिए, हो गया
ये ग्राफ बन गया, लेफ्ट टू राइट स्लोली स्लो डाउनवर्ड, और इसमें बराबर का चेंज, तो दोनों में बराबर का गैप रखना है आपको और फिर मर्ज कर देना है। तो ये 45 डिग्री का एंगल होता है ईपी इज ग्रेट इक्वल टू वन का, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों आपने 5 टाइप की इलास्टिसिटी सीखी, उनके ग्राफ सीखे और किस किस सिचुएशन में वो इलास्टिसिटी क्रिएट होती है ये सीखा, और प्लस एक चीज़ और आपने सीखी कि इलास्टिसिटी ईपी ग्रेटर देन वन में कब क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा होता है, कब प्राइस में चेंज ज़्यादा होता है, कब क्वांटिटी में चेंज कम होता है, कब प्राइस में चेंज कम होता है, और जब प्राइस में चेंज ज़्यादा हो क्वांटिटी में कम हो तो कौन सी इलास्टिसिटी होती है, ये सारी बातें आपने सीखी आज के वीडियो में। तो कुल मिला के 5 प्रकार की इलास्टिसिटी के बारे में आपने आज सीखा है, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉइंट मेथड, अगला मेथड है पॉइंट मेथड। बढ़िया से नोट्स बनाइएगा अपनी कॉपी में, पॉइंट मेथड समझ लीजिए पॉइंट मेथड क्या होता है। बिल्कुल वीडियो छोड़ना नहीं है और पूरा एक वीडियो में एक जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो करने की मैं कोशिश करूंगा आपसे, तो उस टॉपिक को पूरा देखकर ही जाना है तभी इकोनॉमिक्स जल्दी से कंप्लीट हो पाएगी। फिर इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं अकाउंट्स स्टार्ट करूंगा और अकाउंट्स में बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं बात करने जा रहा हूँ पॉइंट मेथड पे। पॉइंट मेथड देखो क्या होता है, पॉइंट मेथड में हम लोग पॉइंट्स के थ्रू इलास्टिसिटी निकालते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं तब समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिए प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दी हुई है, ठीक, और आपसे कह रहा प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व करो। चलो ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा लेकिन पहले पॉइंट मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया है, दो पॉइंट दिए हैं, एक ये पॉइंट दिया है एक ये पॉइंट दिया है यहाँ पे, और यहाँ एक ए में क्वेश्चन मार्क दे दिया और टोटल इनकी वैल्यू जो दी है वो 10 सेंटीमीटर दी है, यानी कि टोटल वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है और बी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, ऐसे पॉइंट मेथड में एक फार्मूला लगता है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट 7, जो नीचे दिया हुआ है वो 7 है लोअर, तो 7 ऊपर लिखो, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो आपको पता है जब टोटल की वैल्यू 10 है और लोअर की 7 दी हुई है तो अपर की कितनी होगी, 3, तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 3, तो बस अपर सेगमेंट नीचे कर लो और भाग दे दो तो आंसर आएगा 2.34। तो ये आपको कैसी इलास्टिसिटी लग रही, ईपी इज ग्रेटर देन वन लग रही है कि नहीं, एक से ज़्यादा है कि नहीं, बताओ। शाबाश, वेरी गुड। अब देखो आगे, व्हाट इज द इलास्टिसिटी टू फाइंड ऑन एनी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो याद रखिए पॉइंट पे जब इलास्टिसिटी निकालनी होगी फॉर्मूला एक ही लगाएंगे, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, हमेशा याद रखना लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, बस निकाल देंगे। तो अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि पहला एक क्वेश्चन है, ए पॉइंट इज इन द प्लेस ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस का मतलब प्राइज एक्सिस। अगर प्राइज एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया है यानी कि उस वहाँ पे कोई वैल्यू है, यानी कि प्राइज में जब कुछ चेंज होगा तो वो ऊपर होगा। प्राइज में मान लो 5 का चेंज है, पॉइंट दिया तो मतलब वहाँ पे 5 पॉइंट है। क्वांटिटी में कोई एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं, तो 0 से 5 में भाग करेंगे इन्फिनेटिव आएगा, आंसर इन्फिनेटिव, समझ गए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ एनी पॉइंट इज फाउंड इन द मिडल, अगर मिडल में है तो दोनों तरफ बराबर, तो आंसर 1, दोनों तरफ बराबर चेंज, एक्स में भी वाई में भी दोनों तरफ बराबर चेंज, इसलिए 1 आंसर होगा। इसमें देखो, इफ़ एनी पॉइंट इज फाउंड इन लोअर साइड, अगर लोअर साइड में कोई पॉइंट है और ऑफ द मिडिल डिमांड कर, देन ईपी इज लेस देन 1। जैसे लोअर में कोई पॉइंट दिया हुआ है मान लो 5 का, ठीक, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट हम कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। और हमें ई पी लेस देन 1 बनाना है तो याद रखिएगा प्राइस में चेंज कम का होगा, क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा का होगा, तब क्या होगा, सॉरी क्वांटिटी तो ऊपर होती, क्वांटिटी में चेंज कम का होगा, क्वांटिटी में चेंज कम का होगा, प्राइस में चेंज ज़्यादा का होगा, तभी ई पी लेस देन 1 बनेगी। इसीलिए 5/7 लिया गया है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो प्राइज है उसमें चेंज हमें कम का करना, क्वांटिटी में चेंज कम का करना होगा, प्राइज में चेंज ज़्यादा का,
क्वांटिटी से ही लिया जाता है इलास्टिसिटी। अगर क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, अगर क्वांटिटी में कम चेंज होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आपने आज सीखा। एक और देख लो, ये भी है, इफ़ एनी पॉइंट इज फाउंड आउट इन एवप साइड ऑफ द मिडल डिमांड कर्व, तो अगर मिडल में पाया जाता है और ईपी इज ग्रेटर देन वन बनाना है तो याद रखना क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा कर दो, प्राइस में चेंज कम कर दो, तो ईपी इज ग्रेटर देन वन बन जाएगा। अपने आप से नंबर कोई भी ले लो, ये नंबर अपने आप से लिए गए हैं, लेट लिया गया है, जूम किया गया, देखिए लेट, ठीक है। तो जब भी आपसे कहेगा ईपी इज ग्रेटर देन वन तो क्वांटिटी हमेशा ऊपर होती है, प्राइस हमेशा नीचे होता है, क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये होता है कि नहीं होता बताइए। तो क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा कर दोगे जब और प्राइस में चेंज कम कर दोगे तो ईपी इज ग्रेटर देन वन आएगा। तो वहीं उल्टा अगर आपसे कहता है ईपी लेस देन वन की सिचुएशन बनाओ तो क्वांटिटी में चेंज कम का कर दो, प्राइस में चेंज ज़्यादा कर दो, तो ईपी लेस देन की सिचुएशन हो जाएगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज हम लोग पॉइंट मेथड तक बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर जो है डिमांड का काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें अभी इनकम इलास्टिसिटी पे बात करनी है हमको। इनकम इलास्टिसिटी कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने पॉइंट मेथड पढ़ा है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी, और इनकम इलास्टिसिटी के बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी, और क्रॉस इलास्टिसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर हम लोगों के जो है ये टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में कुछ जानेंगे, और तब जाके हम लोग का डिमांड वाला चैप्टर कंप्लीट होगा। तो डिमांड चैप्टर दोस्तों बहुत बड़ा है, डिमांड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फिर हम एक समरी दोबारा रिवाइज करेंगे कि हमने सबसे पहले डिमांड पढ़ी, डिमांड क्या होती है, फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, फिर लॉ ऑफ डिमांड के बाद लॉ ऑफ डिमांड निकालते कैसे हैं, फिर उसकी इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, इलास्टिसिटी कितने प्रकार की होती है, ये सब हम लोगों ने बातचीत की है। तो और मेनली अगर हम बात करें आपसे एक बार और रिवीजन के तौर पे एक बात करें कि इलास्टिसिटी आपसे पूछे कोई कितने प्रकार की होती है, तो आप तीन प्रकार की मेन बताएंगे, कौन कौन सी, पहली प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा बताइए जल्दी से, पहली प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा आप बताएंगे पॉइंट इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, तीसरा कौन सी, तीसरा है आपकी इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, और चौथी आपकी है क्रॉस इलास्टिसिटी, चौथी कौन सी है, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इस तरीके से चार तरीके की इलास्टिसिटी के बारे में बातचीत होगी, प्राइस, पॉइंट, इनकम एंड क्रॉस, डिमांड के अंदर ये हम लोग चार तरीके की इलास्टिसिटी के बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।